अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अली, तुसी वेख रहे हो उस्मान अली व्लॉग। आज दी वीडियो जो मैं तुहानू दसांगा कि असी कैड़ी फसल बीजन लगे हाँ, किवें बिजाई होंदी है, किवें फसल तैयार की जाती है। तो वीडियो शुरू करन तो पहले तुहाडे नाल एक छोटी जी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब लाजमी कर दिओ ते बैल आइकॉन नूं प्रेस कर दिओ ताकि नवीं नवीं वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। चलने टाइम वेस्ट करदे होया आपदी अगली वीडियो की तरफ। असी तुहानू पिछली वीडियो च विखाया सी भी इस जगह पर मक्की हैगी सी जिहड़ी आपां छलाई है, तो चैक कर सकते तुसीं चारों तरफ मक्की बीजी हुई सी असी, तो उनकी सारी कटाई हो गई है अच्छे तरीके नाल। तो हुण इस जमीन नूं असी ला रहे हैं पानी, पानी मतलब रौनी कर रहे हैं, गिल्ली कर रहे हैं जमीन, पानी ला के तो बाद इहदे च असी फसल बीजांगे जदों पानी सुक जाएगा। तो मैं हुण पानी दे विच खलोता हां, यह वेख सकते चार दिन तो साडा टूवल चल रहा है लगातार, चार दिन तो टूवल चल रहा है। 14 एकड़ जमीन है जिथे पानी लग्या होया, बहुत मुश्किल पानी लगता है जो जमीन वाही जाए, तो चार दिन तो यह टूवल चल रहा है तो पानी इनू लगातार लग रहा है। देख सकते जे असी यह तीन तीन कनालों के दवाड़ा मतलब हाफ एकड़ के टोटे किए हुए हैं ताकि आसानी नाल पानी पी सके, आसानी नाल पानी फिर जाए जमीन नू। असी विच बन्ने पाए हुए हैं वेख सकते जे तुसी, ते आसानी नाल पानी लग रहा है इन्हां नू, ते चार दिन हो गए ने सानू टूवल चलाए नू। ते इत्थे असी फसल बीजन लगे हाँ, तुहानू मैं दस्सिया सी भी डिसाइड कर रहे हैं असी इत्थे सब्जी के तौर पर बीजिए कोई चीज़ या फिर कोई होर फसल बीजिए, तो असी डिसाइड किया भी तिल तिल बीजने ने। तिल तिल होंदा एक तिल होंदा ये चीज़ तो एक तिली होंदी, असी तिली बीजनी है, तिल की बहन होंदी है वो, तो तिली असी इत्थे बीजन लगे हाँ। जदों ये पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन खुश्क कर लेगी पानी नू, जज़ब हो जाएगा पानी अंदर, तो उदों असी इन वाहवांगे, तो वाह के इन विच तिल बीज देंगे। तो हुण वेख सकते तुसी जेड़े मैं दवाड़े नू पानी बन्या होया है वो तकरीबन पीछन वाला है, पानी पूरा होने वाला है। तो 10 एकड़ जमीन पवा लीए, चार दिन हो गए ने टूवल चलते नू, तो 10 एकड़ असी जमीन पवा लीए, तो 4 एकड़ जमीन रह गई है। मगर यह वेख सकते दे सुकी जमीन पई हुई है, 4 एकड़ जमीन बाकी रह गई है। हुण तकरीबन बोर होने लगे है पानी नाल, यह वेख सकते तो थोड़ी जी जगह रह गई है, तो मेरे चारों तरफ वेख सकते जे, तो इन्हें तो 20 तो 25 मिनट पानी होर लगेगा इनू, तो फिर आप होर किसी जमीन नू बन देंगे पानी। तो हुण तुसी वेख सकते जे सारी सब तो पहला जमीन दी असी कटाई की थी, मकई की, मकई की कटाई हर तरफ मुकम्मल हो गई है, तो कुछ साढ़े रह गए ने एकड़ जमीन दे भी जिन्हां दी कटाई होनी है, जिहड़ी लेट लगी सी मक्की उन्हां दी अजे कटाई होने वाली है। तो बारिश की वजह तो असी रुक गए हाँ ता क्योंकि खराब ना हो जाए छलियाँ। तो हुण तुसी वेख सकते जे मक्की दी ऐस दी कटाई हो गई सी, तो इनू असी पानी ला दिता सी, हुण इस तिली गड्ढन ते गड्ढन वास्ते जमीन तैयार हो गई है। तो इन्हें तो असी कल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कल कहिंदे ने बारिश आनी है, तो इस वजह तो असी कह रहे हैं भी कल का दिन वेख लीए ताकि जमीन खराब ना हो जाए, तिल जिहड़े असी बीजिए वो खराब ना हो जावन, क्योंकि बारिश जो तो पै जाती है ना तिल तिलों के उत्ते, तो ये खराब हो जाते हैं। तो तिलों नू एक बार बस रौनी करके पानी ला देईदा, तो उस तो बाद जदों तिल बीजे जाते ने उस तो बाद पानी इन्हां नू हरगिज़ नहीं लाईदा, बारिश वगैरह का पानी लगता इन्हां नू बस, तो फिर ये आपे ही पक जाते ने। 20 एकड़ चो तकरीबन 10 मन 12 मन 15 मन तक निकल आते हैं, तो ये तकरीबन 7000-8000 का फी, 7000-8000 का फी मन होंदा है, तकरीबन 70000-80000 का एक एकड़ हो जाता है। तो फिर जनाब ये तिल तकरीबन इन्हों का खर्चा भी इन्ना ज़्यादा नहीं होंदा, बस एक बार पानी लाना है, पानी लाने का खर्चा है, तो वाह के बस बीज देने हैं, फिर तुम कटाई करनी है ना। तो जिहड़ा मैं तुहानू विखाया से भी पानी उस दुआड़े नू लग्या होया है, तो वह अच्छे तरीके नाल पीच गया, हुण भर गया है। तो हुण मैं अगले नू बण दिता है, अगले तीन कनालों नू मैं पानी बण दिता, चैक कर सकते जो तुसी, हुण इस साइड ते लग रहा पानी, अगे जा रहा पानी, तोड़ 2 किल्यां तक लंबा है, तो विच असी बन्ना पाया होया है, तीन कनालां है तकरीबन, तो इनू पानी हुण लग रहा है, ये अच्छे तरीके नाल भरेगा, तो फिर अगले नू पानी लावांगे।
तो वेख सकते तुसी हर तरफ असी है बंद बन्ने हुए ने बन्ने पाए हुए ने हर तरफ चेक कर सकते जे हर तीन चार कनाल बाद असी बन्ना पाया हुआ है हर तीन चार कनाल बाद इस वजह तो पाया है ताकि पानी आसानी ना लग सके। अगर आप दो किल्या नू पानी बनांगे ना दो एकड़ा नू कट्ठा पानी बनांगे तो शाम तक टोल चलता रहेगा तो शायद ये वो पूरा हो जाए पानी उनके बेच नहीं तो मुश्किल है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पवावे ना तो छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा करांगे पानी उन्होंने लावांगे वो जल्दी पीज जाएगा तो फिर जो ये भर जाता अच्छे तरीके इन्हें बचों मैं बन्ने चो टोकों कर देना थले थले आले चो निकल जाता पानी उधरों खाले चो भी पानी इस जमीन में पैंता है तो यह भी अच्छे तरीके अगला भी पीज जाता है। जनाब आप जा रहे हैं उस टोल की हल जोड़ा चार दिन तो चल रहा है ये साडा होर मरपा है होर खेत है जिधर ये टोल चल रहा है पहले भी थानू मैं टोल विखाए ने तीन तो ये साडा चौथा टोल है जोड़ा चल रहा है तो तुम हम वेख सकते जे वेख सकते जे ए टोल है चल रहा फिटर कमरा बने हुआ बार खेतों के असं समान वगैरह रखते हैं ताकि चोरी ना हो सके इधर बोर्ड लग्या होया छां वगैरह वास्ते दरखत लाए हुए ने चेक कर सकते जी चार दिन तो लगातार चार दिन तो ये टूल चल रहा है काफ़ी गहरा खाला है तो इधरों पानी निकल के खाले की जा रहा है तो खाला अगर असी पक्का बनाया हुआ है ताकि आसानी होवे पानी लाने वास्ते सफाई ना करनी पवे खाले की। जनाब आप टूल तो वापस आ गए हैं इस जगह तुसी वेख सकते जी अंब अंब का दरखत है तो पत्ते है पीले हो गए ने सुख गए ने इस वजह तो क्योंकि जो तो मक्की के वड़ नूं असी अग लाई सी तो इनू सेक वगैरह पिया तो ये सुख गया पत्ते इस वजह तो जमीन जदों खुश्क होवेगी तो उदों असी तेल ही लावांगे तो उनका लाने का तरीका तुहानूं मुकम्मल तौर पर विखावांगे भी किवें तेल ही लाई जाती है किवें इनू कट्टिया जांदा है किन्ना इहदे ते खर्चा आंदा है तो कि मुनाफा आता है सारी वीडियो तुहानू फिर विखावे। आखिर तो मेरी तुहाडे नाल यही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल नू लाइक तो सबसक्राइब लाजमी कर दौ तो बैल आइकॉन तो प्रेस कर दौ ताकि नवी नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। उम्मीद करदा तुहानू ये वीडियो पसंद आई होगी तो नैक्सट वीडियो तो जल्द ही मिलेंगे। खुदा हाफिज़।